मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवं गोपीकुमारं। तो अगर हमारे किसी साथी ने, किसी घर वाले ने किसी प्रकार की बुराई की और उस बुराई को बढ़ने के लिए हमने स्थान दे दिया, उसको मान लिया कि किसी ने आपको गाली दी और उस गाली को आप ले लीजिए, आप में गाली आ जाएगी और उसकी गाली बढ़ जाएगी। गाली को आपने माना ना, हमको गाली दी तो गुस्सा आएगा आपको, मुझसे गाली निकलेगी तो उसके ऊपर से फरोदूनी निकलेगी, चौगनी निकलेगी, फिर बढ़ते बढ़ते मारपीट, खून खराबी कैसे होती है, और क्रोध से होती है, लोभ से होती है, काम से होती है, ये तो कारण है उसके। कोई तो ऊपर यदि आपने स्थान नहीं दिया, आपने उसकी गाली को लिया नहीं, तो उसकी गाली उसके पास रह जाएगी और कभी पछताएगा आगे जा करके वो। ये जो एक चीज है ना, ये एक इस प्रकार की एक हमारी भावना है कि अगर हमने किसी बुरे को दंड नहीं दिया तो वो बहुत बुरा बन जाएगा, इसलिए दंड नीति की आवश्यकता है। ये है, किसी अनुष्य में दंड की आवश्यकता है, परंतु दंड में जहां द्वेष आ जाता है वहां वो दंड शुद्ध दंड नहीं रहता, ये बात होती है। और द्वेष आए बिना प्राय रहता नहीं। दूसरी बात, दंड से जो काम होता है उसके अपेक्षा अधिक ठोस काम, अधिक स्थायी काम और अधिक निर्मल काम प्रेम में होता है। कहीं कहीं उसमें उल्टा फल भी होता है। हर एक प्रयोग में अगर 10-5% अगर उसमें खराबी भी आवे और 80-90% अगर अच्छाई हो तो अच्छाई को मानना चाहिए। और वहां भी जो आता वहां हमारे प्रयोग में कोई कमी रह जाती इसीलिए आता, नहीं तो अहिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता। ये हमारे उसमें योग दर्शन में आता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये सूत्र है। जिसके अंदर अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा है उसके आस पास रहने वाले हिंसक जीवों से भी हिंसा निकल जाती है, वहां हिंसा रह नहीं सकती। हिंसा रहती है तो अवश्य ही हमारे मन में कहीं न कहीं हिंसा को कोई थोड़ा सा भी स्थान मिला हुआ है, अभी हम पूरे अहिंसक नहीं हुए, क्योंकि हिंसा हमारे सामने हो नहीं सकती। होती है तो हमारे मन में कहीं न कहीं कोई हिंसा बनी हुई है, लेकिन सिद्धांत यही है कि जो काम प्रेम से होता है, अहिंसा से होता है, वो हृदय बदलने वाला होता है, और दंड से होता है वो डरकर होता है, उस काम में घृणा नहीं होती। मनुष्य को जब तक बुराई से घृणा पैदा नहीं कर दी जाती, ये चोर बाजारी है, घूसखोरी है, ये बंद क्यों नहीं होती? कानून तो बहुत बने हैं, बंद इसलिए नहीं होती कि उस क्रिया में हमें भय नहीं है, वो तो हमें लाभ की चीज देखती है, इसलिए कानून के पंजे में ना आवे बच जाते हैं, कर लेते हैं उस काम को। कानून से बचना चाहते हैं
उस काम से बचना नहीं चाहते। तो दंड चाहे हो ना, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, और दंड के होने में भी अगर दोनों में कमजोरी हुई, शासक कानून बनाने वाला और कानून मानने वाला दोनों अगर कहीं मिल जाए, बेईमानी पर उतर जाए, तो फिर क्या है? फिर तो किताब में कानून रहेगा, कानून पालेगा कौन? लेकिन यदि उससे घृणा है, उसमें अगर पाप बुद्धि है, तो अकेले में एकांत में भी वो चीज करते हुए पाप बुद्धि अटका लेगी, शास्त्र की वो जो आज्ञा अटका लेगी, ये काम मत करो, बड़ा पाप। तो जो एकांत में भगवान को धर्म को समझकर पाप से बचता है, वही ठीक बचेगा। उसमें घृणा बुद्धि होनी चाहिए, बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए। बुराई में जब तक घृणा बुद्धि नहीं होती, तब तक कानून से बहुत कम बचाव होता है। पांच भय होते हैं साधारण तौर पर, बुराई से बचने के पांच भय होते हैं। ईश्वर का भय, धर्म का भय, राज का भय, समाज का भय और अपने पतन का भय। ये पांच भय होते हैं। पांच भय में आज के जमाने में लगभग चार भय तो निकल गए हैं, लगभग ईश्वर का तो भय एकदम निकल गया, और धर्म का भय निकल गया, और समाज का भय निकल गया। दो भय अभी हैं, दो भय में राज का भय भी प्राय निकल गया। अपने कहीं पकड़े न जाएं, कहीं हानि न हो जाए, इतना भय जरूर रहा है, और भय सब निकल गए, तब मनुष्य पाप से कैसे बचे बताइए? नहीं तो वो ईश्वर देखता है, अधर्म होगा समाज क्या कहेगा। एक चीज थी पहले, पहले भी बुराई होती थी, पहले भूले होती थी, पाप बुद्धि पहले भी आती थी, हमेशा आती है, पर पाप करने वाला मन में पछताता था, शर्माता था, और समाज उसको दुत्कारता था। धर्म ईश्वर के बात तो अलग उसके मन के रही, आज पाप करके जो आता है उसको समाज कहता है, अगर वो सफल हो गया तो समाज उसको पूजनीय मानता, पूजा करता है, तो सब देखते हैं हम भी ऐसे ही बने, हम भी ऐसे ही बने, तो स्वयं वो अपने मन में गौरव मानता है कि देखो हमने कितना बड़ा बुद्धिमानी का काम कर लिया है। तो इस तरह से मनुष्य बुराई से बच नहीं सकता, बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए। तो घृणा बुद्धि होगी कब बुराई में हमारी? जब हम बुराई को बुराई मानेंगे। बुराई को बुराई कब मानेंगे? जब अच्छाई को अच्छाई समझेंगे। ये चीज है। तो जहां हम अच्छे को अच्छा मानने लगेंगे, वहां दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि दूसरा अच्छा करे तो अच्छा करें। पैसा कमाने में हम ये कभी सोचते हैं क्या कि भैया हमारे पड़ोसी दुकानदार के पैदा हो जाएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे? कोई समझता है क्या ऐसा? कभी किसी के मन में आता हो, किसी का आता हो तो बड़ा अच्छा है, बोले पहले ये कमा लेगा तो हम कमाएंगे, किसी के मन में आता हो तो बताइए? क्योंकि उसमें हमारी लाभ बुद्धि है, अच्छाई की बुद्धि है। तो अच्छी बुद्धि अच्छाई में हो जाने पर दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता आदमी कि वो करे तो हम करें, वो तो आगे से आगे बढ़ेंगे, पहले हम करें, पहले हम करें, पहले हम करें। जिसमें मनुष्य की लगन होती है, आसक्ति होती है, और आदर बुद्धि होती है, प्रेम बुद्धि होती है। ये श्रीमद् भागवत में जब भगवान ने बंसी बजाई, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की बंसी बजी एकांत अरण्य में, जंगल में, बंसी की ध्वनि जिन जिन गोपांगनाओं के कानों में आई, वो गोपांगनाएं अभिसार कर चली, निकल गई घर से। उस समय का वर्णन आता है कि किसी ने किसी से कहा नहीं, हम जा रही हैं, और द्रुत वेग से दौड़ी। क्या चीज थी? सबसे पहले हम पहुंच जाएं, सबसे पहले हम पहुंच जाएं। जहां कहीं कुछ चीजें बढ़ती हो और थोड़ी सी सीमित हो, और ये कहे कि जो पहले आएगा उसको मिल जाएगी, तो
तो फिर देखिए हम सब आगे से आगे दौड़ते हैं, किसी से पूछता है क्या? तो जहाँ लाभ दृष्टि है, जहाँ प्रेम भावना है, जहाँ पुण्य दृष्टि है, जहाँ आदर भाव है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ हम दूसरे की बात नहीं देखते। दूसरा करेगा तो हम अच्छा अच्छा करने जाएंगे, ये कोई नहीं कहता, अच्छा स्वयं करता है, अपने आप करता है वो। तो जैसे आदमी बुराई की दुकान खोले बैठता है ना, कसाईयों की भी दुकान होती है, इसी प्रकार आदमी अपने जीवन में भलाई की स्वाभाविक दुकान खोले बैठ, दुकान नहीं खोलता, और वो आतुर रहता कैसे किसी की भलाई हो जाए, कैसे भलाई हो जाए, कैसे भलाई हो जाए, रात दिन उसकी चिंता चर्चा क्रिया भलाई की रहती है। उसके पास जो आता है भली बात सुन के जाता है, उसके पास बैठता है भला आचरण देख के जाता है, उससे कोई उपदेश ले लेता है तो अच्छी बात उसको प्राप्त होती है। क्यों? उसमें जो चीज भरी हुई देगा, जिसके अंदर राग द्वेष भरा है वो राग द्वेष देगा, बैर भरा है वो बैर देगा, क्रोध भरा है वो क्रोध देगा, जिसके अंदर प्रेम भरा है वो प्रेम देगा, आनंद भरा वो आनंद देगा। नदी में शीतल जल बह रहा है तो वो आप गर्म जल कहां से देगी नदी, उसमें है शीतल जल। सूर्य में अगर प्रकाश है तो अंधकार आपको देगा कहां से, है नहीं उसमें। भगवान में सौहार्द है तो भगवान कहीं कोई के साथ बैर करने जाएंगे कैसे? उनमें जो स्वाभाविक कृपा है ना, एक बड़ी सुंदर बात कही श्रीमद् भागवत में, इष्टिकाकार ने बड़ा भाव सुंदर दिखाया कि भी भगवान में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है, कृपा शक्ति, सौहार्द शक्ति है, जिसके वश में भगवान क्या करते हैं, कहीं भगवान गुस्से में आकर किसी को मारने भी जाए तो मार दें, तो कृपा शक्ति उसको तार देती है। भगवान के हाथ से मरा हुआ कोई भी बिना तरह नहीं रहा, उन्होंने मारा उनकी कृपा ने तारा। तो कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है, इससे वो बच नहीं सकते, वो अपने को बचा लें, कहीं कहीं किसी का भगवान बुरा तो कर दे, कर सकते ही नहीं। तो इसी प्रकार से जिसके अंदर जो चीज प्रधानतया होती है उसी का वितरण होता है, उसी का वो सबको दान होता है स्वाभाविक, न करने जाए तो भी, न करने जाए तो भी, पास बैठ जाइए आपको उस प्रकार के परमाणु अंदर से निकल निकल के प्राप्त होते रहेंगे स्वाभाविक। तीर्थों में क्या है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये आया संतों के लिए, संत लोग हैं कि तीर्थों के बनाते हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी आती है, कथा इतिहास भागवत में, ये भागीरथ जी महाराज जब गंगा जी को लाए, गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा महाराज आप ले तो आए हमको, और हमारा काम है सबके पापों को धो के रख लेना अपने अंदर, तो तमाम लोग आके नहाएंगे हमें और सारा पाप हमें धरते चले जाएंगे, फिर हमारा हमारे पाप का क्या होगा? तो उसके दो उत्तर है, एक उत्तर तो ये है कि जो लोगों के पाप धोता ही है ना, तो लोगों के पाप उसके पास रहते नहीं, वो पुण्य बन के रहते हैं। पर यहाँ दूसरा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया भागीरथ ने, उन्होंने कहा कि ये महात्मा लोग आके जब आप में नहाएंगे तो उनके उनके अंदर घुसते ही जल में आपके अंदर जो संग्रह हुई पाप राशि है वो ध्वस्त हो जाएगी। तीर्थी कुलवंते तीर्थान, सारे तीर्थों को तीर्थ, तो तीर्थ क्या चीज है, जिन जिन स्थानों में अच्छे पुरुष रहे, अच्छा काम किया, अच्छी जबान कही, अच्छी क्रिया की, उस स्थान के परमाणु में, वहाँ के जल में, वहाँ के वायुमंडल में, वहाँ के आकाश में, वहाँ के पेड़ पत्तों में, वहाँ के धूल कण में वो परमाणु भर गए तमाम, जो आज तक लोगों को पवित्र करते हैं। नहीं तो तीर्थ में और क्या, तीर्थ कोई खास चीज तो है नहीं। ये तो अच्छे पुरुषों के संग से बुरा स्थान भी तीर्थ बन जाता है, और बुरे पुरुषों के संग से तीर्थ भी मिट जाता है, शक्ति क्षीण होते 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 तीर्थ तो नष्ट हो जाता है,
ऐसा होता है। तो इसलिए संगत क्या है, बुरे कर्म और बुरे विचार, इनका संग सबसे बुरा है। आदमी की अपेक्षा भी बुरे कर्म और बुरे विचार, इनका संग सबसे बुरा। इनकी संग को आदमी सर्वथा त्याग दे, पास न आने दे, न रहने दे। बुरा विचार जब मन में आवे तो पश्चाताप करे कि आज घर में डाकू आ गया, ये लूट के ले जाएगा। बुरे विचार के समान को शत्रु नहीं है, आत्मात्मनो शत्रु और आत्मरिपुर आत्मनो बंधु, आत्मरिपुर आत्मन। ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि आप ही अपना बैरी है और आप ही अपना मित्र है। जिसका जीता हुआ मन और जिस मन में शुद्ध विचार, वो आप ही अपना मित्र है। जिस मन में बुरे विचार और जिसका मन चाहे जहाँ ले जाए, वो आप ही अपना बैरी है। बाहर का बैरी कोई नहीं, बाहर के बैरी तो हम मानते हैं अपने बैर की भावना से। युधिष्ठिर ने किसी को बैरी माना ही नहीं, इसलिए उनका नाम हो गया अजात शत्रु, जिसके कोई बैरी पैदा ही नहीं हुआ। जिसके कोई बैरी पैदा नहीं हुआ उसका नाम अजात शत्रु। शत्रु अजात है, शत्रु जन्मा नहीं, जिसका पैदा ही नहीं हुआ शत्रु। तो इस प्रकार से अपने मन में अगर ये हो, और फिर होता क्या है, याम दो लड़ते हैं। और सोचिए चीज को, आज हमारा कोई से बैर है और उससे हम लड़ते लड़ते हम मर गए। अंत में हमारा मन उसमें रहा तो उसके घर में जाके बेटे हो गए। अब इस घर से बैर करेंगे या लड़ेंगे या क्या करेंगे, क्या होगा बताइए। तो ये हमेशा बुराई का त्याग करें, हमेशा अच्छाई ग्रहण करें, और अच्छाई ग्रहण करने में दूसरे की बात नहीं देखेंगे। भगवान को बड़ा प्रिय, भगवान ने कहा कि मुझको सबसे अधिक बुरा कौन लगता है, जो द्रोह करता है, द्वेष करता है। सबसे पहले द्वेष की भावना का त्याग भगवान ने गीता में सबसे पहले भक्तों की सूची जब बताई गुणों की, तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये पहली बात कही। किसी प्राणी के साथ, किसी जीव के साथ किसी प्रकार का भी हमारे मन में द्वेष न रहे। द्रोह जो है, द्वेष जो है, ये भगवान को बड़ा प्रिय, क्योंकि ये हानि भगवान की होती है। गुरु जी कह रहे दो चेले, तो दोनों चेलों ने अलग अलग टांगे बांट रखी थी मुट्ठी भरने के लिए, एक ने दहनी एक ने बाई। बोले भाई बाई टांग तो मेरी और दहनी टांग तेरी, ये बांट रखी थी। एक दिन बाई टांग वाले ने भूल से आ करके दहनी टांग में मुट्ठी भरना शुरू कर दिया, तो वो बाई टांग वाला है, उसने कहा ये बदमाशी मेरी टांग ले ली, तेरी टांग को तोड़ डालूंगा अभी। तो उसने लाठी मार के उसके टांग को तोड़ दिया। बोले तेने मेरी टांग तोड़ी, मैं तेरी तोड़ूंगा। गुरु जी ने कहा टांग मेरी टूटती है, दोनों ही दोनों टांग मेरी टूट रही है, तुम टांग तोड़ते एक दूसरे की। तो भगवान के तो हम सब एक से है ना, हम जब द्वेष करते हैं कोई से, बैर करते हैं, तो भगवान की टांग तोड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम अपनी बुराई आप करते, अपनी बुराई आप करते हैं। इसलिए दूसरे का बुरा कभी न चाहे, न देखे, न करे, न होता हो तो प्रसन्न हो। तीन तरह से बुरा होता है, कृत कारित अनुमोदित, करे कह के करावे, और होता हो तो राजी हो। तीनों तरह से बुराई होती है। तो किसी का बुरा होता देखकर अगर हम प्रसन्न भी हो गए तो बुराई में हिस्सेदार हो गए। इसलिए बुराई से बचो, भलाई अपना सब कुछ दे करके भी कर दे तो उसमें लाभ में रहेगा, हानि में रहेगा ही नहीं। और दूसरे पर कभी दो चीज से हमेशा बचना चाहिए आदमी को। अगर आदमी अपनी उन्नति चाहता है, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, एक तो दूसरे की निंदा न करे जबान से, असल में तो उसे पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अन्येषु दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, भागवत में तो कहा कि करना दूर रहा,
दूसरे के दोष का और गुण का भी चिंतन मत करो, भगवान का ये करो या अपने जरूरी काम का करो, मत करो। और जहां कहने की बात हुई वहां मत कहो, पर अगर कहना पड़े भी तो किसी के दोष तो कहो ही मत, गुण कहो, दोषों में दृष्टि डालो ही मत और दोष का चिंतन मत करो। दोष चिंतन और निंदा, ये दो इतनी बुरी चीज है जो हमको बड़ी प्यारी लगती है। दो चीज ये त्याग दे आदमी तो वो आदमी बहुत जल्दी उसका लाभ हो जाए, पक्की बात। दोष दर्शन और पर निंदा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहा, झाड़ू लगाओ अपने हृदय। दूसरे की निंदा न करे और दूसरे का दोष न देखे, ये दो चीज। तो बोले फिर हमारे तो नौकर बिगड़ जाएंगे और घर वाले बिगड़ जाएंगे, सब घर तो फिर कौन। अरे ये तो जहाँ इतना रखोगे ताकि बैलेंस ठीक रहेगा, ये दोष तो अपने आप ही दिख जाएंगे। एक किताब लिखी थी उन्होंने, बंकिम बाबू ने, उसका नाम था समन्वय। ये है कुछ 70-60 वर्ष पहले की बात, समन्वय। उसमें दिखाया था कि भाई माना कि तमोगुण रहना चाहिए, पर तमोगुण रहना चाहिए ये अगर तुम मान लोगे तो तमोगुण तो बढ़ जाएगा और सत्वगुण घट जाएगा। इसलिए तमोगुण तो जितना रहना है तुम्हारे बिना चाहे भी रहेगा। समन्वय करना हो तो सत्वगुण को बढ़ाओ, सत्वगुण जितना भी बढ़ेगा उतना ही तम और रज जो है ये सीमा में आकर के जितनी आवश्यकता उतनी रह जाएंगे। और कहीं इनकी आवश्यकता मान ली तो वो तो तत्काल घट जाएगा। इसलिए ये शंका करने की आवश्यकता नहीं घर चलेगा कैसे। और भाई एक बात है, असली बात कहें, ये घर तो चलने वाला है ही नहीं, ये तो छूटेगा। छूटे तो क्या 10 वर्ष के बाद छूटे, ये तुम्हारे चलाए चलेगा है ही नहीं, चलेगा है ही नहीं। अभिमान करके, पाप करके, द्वेष करके अपने पल्ले बुरे कर्म को बांध के ले जाओ, भले ही चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। दुनिया कह देगी कि अब नहीं चलेगा इससे, और मरने के बाद उठा के फेंक देंगे, जला देंगे, तुम्हारी कोई आवश्यकता घर में जरा भी नहीं रह जाएगी। घर तो भगवान चलाते हैं और वो ही चलाएंगे। अब कौन चलाता है, अब हम चलाते हैं क्या? ये तो हमारा अभिमान है, हम कहते हम करते हैं, हम करते हैं, हम ये हमने किया, हमारे बिना करता कौन। हम करने वाले, हम सब कुछ हैं, हमने अपने को निर्माण किया, हमने देश का निर्माण किया, बिल्डर्स ऑफ द नेशन हम हैं, हमने राष्ट्रों का निर्माण किया। ये अभिमान बोलता है महाराज निर्माण निर्माण तो करने वाले आज निर्माण करते हैं बहुत, तो एक भूकंप आ जाए सारा निर्माण समाप्त करो। देखें ये वैज्ञानिक उन्नति होती है, अच्छी है, इससे एक मनुष्य के सूक्ष्म बुद्धि का पता लगता है। पर जितना भी जड़ विज्ञान है ना, ये विज्ञान प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रकृति के अंदर रहकर अनुकूलता से काम करेगा, और जिस दिन प्रकृति बिगड़ेगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा। तो इससे जो भलाई होनी है वो कर लेनी चाहिए, इसके द्वारा जो लाभ होना है वो प्राप्त कर लेना चाहिए, इसके द्वारा जो कुछ भी हम जगत की सेवा कर सके वो कर लेनी चाहिए, ये तो ठीक। तो इसका कहीं बुराई में प्रयोग किया तो बुराई होगी। तो संसार का संचालन तो करने वाले जो हैं अनादिकाल से वही करते हैं, वही करेंगे। अपने अगर गाड़ी में मुसाफिर जा रहे हैं, प्रेम से रहे, एक दूसरे को सुख पहुंचाते रहे तो आराम से गए, अपने स्टेशन पर उतर गए और कहीं फौजदारी कर ली रास्ते में ही तो पकड़े गए बीच में ही, और स्थान पर पहुंचने के पहले कहीं जेल गई हो गई, मुश्किल हो गई ना। तो इसलिए यहाँ तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धार,
का जानूं का विष में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धाय, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। पता नहीं किस वेश में कहां नारायण प्रकट हो जाए। नारायण सब में है ही, न मालूम कहां प्रकट हो जाए। वो एक ब्राह्मण थे, उनके लिए चांदाल में नारायण प्रकट हो गए। ये कथा पद्म पुराण में आती है। एक ब्राह्मण में राजा में होड़ लग गई। राजा ने कहा हम पूजा करें भगवान की, हमारे पास इतनी सामग्री है। ब्राह्मण ने कहा भगवान सामग्री से नहीं राजी होते, हमारे पास तो ये जल ही है और एक दो पत्ते, एक आधा फूल है, इससे राजी हो जाएंगे। राजा ने पूजा भगवान की राजोपचार से। राजोपचार एक होता है, शोरशोपचार नहीं। राजोपचार का अर्थ है कि राजा के जिस प्रकार की सब चीजें अनोखी विलक्षण बहुमूल्य होती हैं, उसी प्रकार का उपचार किया। पीछे से ब्राह्मण ने आकर के दलवल डाल करके उस पर चंदन लगा दिया और फूल रख दिया। राजा ने कहा क्या बिगाड़ दिया। उसने कहा मैंने पूजा की। उसने कहा मैंने की। उसने कहा नहीं मैंने की। तो दोनों में होड़ लग गई। राजा ने कहा अच्छा देखते हैं भगवान पहले किसको मिलते हैं। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात, देखते हैं भगवान पहले किसको मिलते हैं। दोनों भगवान के भगत रहे, चलिए दोनों। अब राजा ने तो एक महान यज्ञ का आयोजन किया, तमाम देश भर के जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान थे सबको बुलाया, सामग्रियां इकट्ठी की, बड़े बड़े आयोजन से यज्ञ होने लगा। ब्राह्मण के पास बेचारे के पास पैसा तो था नहीं, भाव था। जंगल में गया ब्राह्मण, जंगल में जा करके उसने दो बात अपने मन में की कि रात दिन भगवान का ध्यान करना, तो सारे जीवों में भगवान को देखना। दो बात कर तो अपना दिन भर ध्यान किया करे, एक वक्त उठे तो सवेरे उठ करके और अपना रोटी बना के रख दे, फिर लघुशंका उशंका को जा हाथ वाथ धो करके तो रोटी खा ले और फिर बैठ जाए अपना। उस दिन तो ये विक्रम उसका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो गया लघुशंका, वो पीछे से रोटी गायब। तो देखा भाई रोटी तो गई, अब और बनाने को बैठेंगे समय जाएगा, अब चलो ध्यान में बैठ गए। दो तीन चार दिन बीत गए, अब भूखा शरीर रहने लगा, मुश्किल हुई। तो सोचे आज जरा देखें कौन लेने को आता है। तो देखा तो आया एक चांडाल, चांडाल ने आगे रोटियां उठाई, इनको दिखे भगवान। बोले भगवान रोटी तो ले जा रहे हैं और आज हम रह गए अलग, तो घी भी लगा नहीं। तो जब ये सामने आ गए तो चांडाल दौड़ा, पीछे दौड़े, अरे महाराज जरा ठहरो जरा ठहरो ठहरो। वो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते एक जगह टकरा के गिर गया। इतने पहुंच गए पास, पास पहुंचते ही उसी में, उसी चांदाल में विष्णु देव, विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिए। इतने में विमान आ गया। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई हम तुम्हारी परीक्षा करने आन पर बैठो, हम तुम्हें साथ ले चलते हैं। ये जब जाने लगे तो वहां पूर्णाहुति हो रही थी यज्ञ की, उसके ऊपर से उड़े नजदीक, बहुत ऊंचे नहीं गए। और ब्राह्मण ने कहा ऊपर से देख कर आजा, उस समय बस पूर्णाहुति की अंतिम आहुति दे रहे हैं, वो श्रीफल गिरने वाला है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जा रहा हूं भगवान के साथ। राजा ने देखा ऊपर दिखाई दिए ठीक। राजा ने सोचा, भगवान ने कहा तुम डरो नहीं, तुम भी बड़े भक्त हो, तुम भी अब चलोगे। पर उसके मन में हुआ कि भाई पैसे से भगवान को नहीं खींचा जा सकता। वो कूद गए उस अग्नि में, कूदते दिव्य देह प्राप्त हो गया, वही विमान दूसरा आ गया। दोनों साथ गए, लेकिन पहले ब्राह्मण गया। तो भगवान है ये, भगवान को भाव चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए। सामग्री हो तो उसमें कोताही न करे, कंजूसी करे सामग्री में लगाने भगवान में और सब काम तो ठीक। हमारे जो भाई है ना, ये हम लोग जो हैं बनिए लोग, ये रसकस बैठाते हैं तो पूजा में बैठाते हैं, पूजा करते हैं तो वहां भी बड़े रसकस बैठाते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा में बैठाते हैं। तो कुछ कम लग जाए, सस्ते में आ जाए, वहां भी मोल तोल होता है। श्रद्धा से कुछ भी दे वो उसमें हर्ज नहीं है, पर हजार रसकस बैठने लगे उसमें
तो श्रद्धा हट जाती है, श्रद्धा हट जाती है, वहां फिर व्यापार आ जाता है और व्यापार का फल तो जैसा होता है वैसे ही होता है। तो भगवान भाव की भूखे हैं, तो अच्छाई अपने अंदर हम पैदा करें और अच्छे भावों से हम भगवान की पूजा करें तो क्या होगा, हमें बदले में अच्छी अच्छी प्राप्त होगा और दुनिया में अच्छाई फैलाने में हम कारण बनेंगे। अपने तरह लोगों को तारने के मार्ग पर ले गए, अपने सुख पाए लोगों को सुख दिया और द्वेष दंभ किया तो अपने भी गिरेंगे, दुख पाएंगे लोगों को भी दुख देंगे और भगवान के तो अप्रिय होंगे। इसलिए भलाई पर ध्यान रखना चाहिए। देर हो गई जाए श्री राधा माधव की जय।